वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो गाइस आज ब्लॉग में बहुत लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे बाल देखिए क्या बताऊँ, बहुत छोटे छोटे हो गए ना नहीं गाइस इतने कुछ नहीं और बड़े पड़े। और मैं वो भी फिर से शाम को धुल कर आया हूँ। और गाइस मैं आज ड्रेस इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि गाइस धूल पड़ जा रहा था। और क्या बताऊँ, ये है मेरे मतलब नानी का घर, तो आपको दिख रहा होगा तो मतलब कि भी थोड़ा सा ओल्ड है, कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट आता है, धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे, एक टाइम आएगा शायद मैं ही मतलब कि इम्प्रूव कर दूँ इस घर को, मालूम नहीं आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं है। और गाइस क्या बताऊँ, जहाँ मैंने आपको बताया कि मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है तो आप लोगों ने फिर वॉच टाइम कम कर दिया, मैंने बोला कि मेरा वॉच टाइम ज़्यादा आ रहा है तो आप लोगों ने वॉच टाइम डाउन कर दिया। कोई बात नहीं, आप लोग का मन है, आप लोग वॉच टाइम ला सकते हो, आप लोग का मन है आप वॉच टाइम नहीं ला सकते हो, कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी मशीन है मेरे मामा का भी, मतलब ये भी मेरे मामा ही है, उनका भी मशीन है, तो मैं ये वाली मशीन बहुत ही बड़ी है वो वाले मशीन से, तो अलग अलग जगह पर है दोनों लोग का। और यहाँ पे ऑलरेडी 3 या 4 मशीन है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे मतलब कि खेलने में ज़्यादा मज़ा नहीं मिलता है और गाँव में ज़्यादा मिलता है, पता क्यों, क्योंकि गाइस यहाँ पे मतलब कि मैं सब लोग से फ्रेंडली नहीं रहता, और गाँव में तो सबसे फ्रेंडली रहता हूँ, मज़ा आता है गाँव में, मतलब ये तो नानी का घर है। और तो गाइस अब मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या बाहर का क्या सीन है, स्टूडेंट्स लोग क्या कर रहे हैं, हम भी थोड़ा खेलते वेलते हैं। और पता क्या हुआ गाइस, मशीन जो था वो बिगड़ गया है, तो मशीन बिगड़ गया तो बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो बनने का थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 घंटे, तो इसलिए मैं ब्रेक ले लिया हूँ। और थोड़ा सा अपने रूम को मैं बताता हूँ कि कैसा कैसा रूम है, किस किस सेंचुरी का सामान रखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं जस्ट जोकिंग कर रहा था, कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। तो गाइस क्या बताऊँ, यहाँ अंधेरा है, मैं लाइट ट्राई करता हूँ, लाइट नहीं है। यहाँ पे मंदिर में पूजा होता है गाइस, छोटा सा है, और यहाँ पे नानी अपना गाल से पैसा वैसा रखती हैं। और ये ऐसे ही है कपड़ा वपड़ा रखने का। और ये देखिए गाइस टीवी है, वो वाली बहुत पुरानी वाली, तो ब्लैक एंड वाइट नहीं, कलर है। और यहाँ से बाहर का सीन है, तो बहुत ही गजब का है, एक पेड़ बेचारा जल गया, कोई बात नहीं। और ऊपर से मैं छत से सीन देखाता हूँ कितना गजब गजब सीन आता है गाइस, मैं दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। तो गाइस यहाँ पे ऊपर ऊपर डालता है, और ये देखिए सीन्स जो बहुत ही तगड़ा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए सब खेल रहे हैं, और ये इतना मस्त है, बहुत ही अच्छा है गाइस, मज़ा आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द, नहीं बोलूँगा सॉरी गाइस। तो मैं मौका ले रहा था कि मैं कब अपने ब्लॉग में इस चूड़ी की मशीन को लाऊं, तो मैं हेर रहा था और कल बताया था मैंने आपको कि मशीन बिगड़ गया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, जहाँ तक मुझे लगता है कि 8 घंटे मशीन बन रहा था, 8 घंटे बहुत होते हैं। तो मैं इस टाइम खा रहा हूँ ये क्या बोलते हैं इसे, तो बोलिए लड़ुआ जब बोलिए, मैं इसे खा रहा हूँ, और मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ जहाँ पे कहलते हैं, और इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, सॉवेल माइनक्राफ्ट को सॉवेल गाइस, बस जोकिंग। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे डालते हैं धान को, ठीक है, और इसको से कहलते हैं देर तक, जितने देर तक करना हो वो मुझे नहीं पता कितनी देर तक करते हैं। और ये छन्नी है, इसे से छानते हैं गाइस, यहाँ पे 2-2 कढ़ाइयाँ हैं देख लीजिए। और गाइस पीछे आपको बेहतरीन चीज़ दिखाने वाला, पता क्या दिखा कि भी दिखा नहीं दिखा ना, मैं दिखाता हूँ और बताता क्या इसमें गाइस, जो धान है इसको हम लोग यहाँ गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद इसको इसमें डाल देते हैं, और उसके बाद मालूम क्या होता है, तब क्या होता है हाई RPM रहता है, मतलब कि रोटेशन रहता है, इतना तेज़ रोटेट करता है कि उस धान को चूरे में आता है, नहीं समझ आता मुझे। और ये कितना तेज़ हीट पाता है ना गाइस, वही मैं दिखाऊँ कैसे हीट पाता है। तो मैं उठ जाता हूँ, और यस तो गाइस देखिए ये देखिए इसके अंदर ये गाइस घूमता रहता है, ये गोल गोल इस से घूमता रहेगा, ठीक है, और ये भी घूमता रहता है, इतना मतलब इतना ज़्यादा RPM है आप सोच नहीं सकते हो। और गाइस यहाँ पे देखिए, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो मैं पूरा बैक कैमरे से दिखाता हूँ, मज़ा आने वाला है गाइस आप लोग देखोगे। और इस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि सब लोग गए हैं, मतलब नानी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मामा ले गए नानी को, और नाना गए हैं जो से हीट यहाँ पे आता है वो से बोलते हैं कना, उसको लाने गए, ठीक है,
तो बैक कैम से दिखा दो कितना गजब का सीन है। क्योंकि अब गाइस मशीनरी आ रही है, लेकिन पहले के ज़माने वाले लोग भी जानते थे कि इतना गजब की टेक्निक, मतलब कि तुरंत कितना तेज हीट देगा, मतलब उन्होंने लिए ऐसा जाना होगा ना। और गाइस ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, देख ही सकते हो, तो ठंडी ज़्यादा है। और यहाँ पे एक छोटा सा काटा आपको दिखा दूँ, काटा कहाँ गया, आपको ये दिख रहा होगा, तो काटा रखा हुआ है। और यहाँ पे ढेर सारे लोग आए हैं, मतलब कि जग देते हैं वो अपने, हम लोग यहाँ पे कूट देते हैं, मामा नाना लोग फिर उनको दे देते हैं, और जो पैसा वैसा होता है जो होता है जो लेते होते हैं। और मैं यहाँ पर आया हूँ थोड़ा सा हेल्प करने, मतलब कि मैं ये काम नहीं करता, नाना नानी मम्मी पापा स्पेशली मुझे ना करके बैठे हैं, और मैं कर भी नहीं पाऊँगा, इतना तेज़ में हीट होता है, मेरी बॉडी इतना तेज हीट नहीं कर सकती है। अगर कोल्ड होता गाइस तो कर सकती थी, अगर कोल्ड हीट तो बिल्कुल नहीं कर सकती है।